आगे से बचाने के लिए। चलो निकलते हैं यहाँ से। जान क्यों हो रही मुझे यहाँ देख के? क्या मैंने तेरी जान बचाई इसलिए? क्योंकि आज तक तो मैंने सिर्फ तेरी जान लेने की कोशिश की, तुझे अपने दुश्मन बनाने की। बड़ी सजा दी है मुझे रब ने, हाँ, पर ये समझने का भी मौका दिया कि अपने क्या होते, परिवार क्या होता है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है आज, और अगर तू माफ कर देगी ना तो आज ये जो मेरी हालत है ना, मुझे उस पर अफसोस। क्या आसमां लेकर आ पाएगी अरमान को सही सलामत वापस? शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो अरमान है वो कैसे पहाड़ी से गिर जाता है। और इसके बाद जो है आसमां कहती हुई दिखाई देती है कि अरमान और मेरे बीच में 6 साल का गैप आ गया था, लेकिन इसके बावजूद भी हम दोबारा मिले और मुझे लगा कि हम दोबारा मिले हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अरमान को मुझसे फिर से छीन लिया जाएगा। लेकिन मैं जानती हूं कि अरमान को कुछ नहीं हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर आसमां जो है उससे रणविजय बार बार पंगा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमां दूसरी तरफ घर वालों से कह देती है कि आप बेफिक्र हो जाइए क्योंकि मैं अरमान को ढूंढकर ही लाऊंगी। आने वाले एपिसोड में आपको ये तक देखने को मिलेगा जो हानिया है और जो आसमां है उन्हें घर में रख लिया है अरमान के घर वालों ने, लेकिन दूसरी तरफ आसमां का ये विश्वास है कि अरमान को कुछ भी नहीं हुआ है और वो जरूर वापस आएगा और उसे कैसे ना कैसे मैं वापस लेकर ही आऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके से रणविजय बार बार अड़चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आसमां जो है यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कि अरमान को वापस लाना ही है, उसके घर वालों से प्रॉमिस जो किया है। खैर फिलहाल के लिए तो इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।